हेलो एवरीवन कैसे हो दोस्तों सो so, स्वागत है आप सभी का अगेन हंड्रेड डेज क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज के डे ट्वेंटी एट के सॉल्यूशंस में ऑलरेडी हमारे डे ट्वेंटी सेवन हो चुके हैं ट्वेंटी एट का भी आपने पेपर या टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया होगा उसके सॉल्यूशंस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या करना चाहते हैं आई आई टी जाम ट्वेंटी फ़ाइव या सी यू टी पी जी ट्वेंटी फाइव के एग्ज़ाम के लिए तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लेकर आए हैं और यहाँ पर आपको एक दिन पहले पाँच क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं और जिसको अटेम्प्ट करके अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग अगले दिन सारे क्वेश्चंस के से यहाँ पर अपलोड करते हैं हमारे चैनल के ऊपर तो आज का हमारा डे ट्वेंटी एट के जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल ये था कि लेट वाइपिक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y is equal to f of x or x greater or equal 0 and y of 0 equal to 0 where f of x is the function which is defined as 2 whenever x is between 0 and 1 and it is defined as 0 whenever x is greater equal 1 then y of x is equal to सो so, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है जहाँ पर एफोपिक्स फंक्शन ऐसे स्प्लिट करके डिफाइन किया है तो चलिए ज़रा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे टू जब एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में होगी एंड इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल वन होगी ठीक अब दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास बन जाएगा e रेस टू एक्स देर फोर सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू एक्स राइट साइड का फंक्शन टू

अब कंडीशन है वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो तो ये कंडीशन वाई ऑफ इक्वल टू जीरो यहाँ पर यूज कर लेंगे लेकिन यहाँ पर नहीं क्यों क्योंकि ये सॉल्यूशन तब है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल वन हो पहले तो इसको जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं वाई ई रेस टू एक्स इट इज इक्वल टू टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स बी ई रेस टू एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी वन तो इस कंडीशन का यूज करेंगे तो y की जगह जीरो x की जगह जीरो तो टू प्लस सी वन बन जाएगा यानी कि सी वन की वैल्यू बन जाएगी माइनस टू बराबर और यहाँ पर अपने पास सोल्यूशन वाई ईरे टू एक्स इट इज इक्वल टू ये जीरो एंड प्लस सी टू तो बेसिकली अब हमारे पास y ऑफ x क्या बना है y टू इट इज़ इक्वल टू अब यहाँ पर टू ईरेज टू एक्स माइनस टू बना है दैट इज वाई ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू टू माइनस टू ईरेज टू माइनस एक्स दैट इज वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू कॉमन निकालेंगे तो वन माइनस ईरेज टू माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में है तो ये हमें पता चल गया वैसे भी इसको चारों ऑप्शंस में यही देख कर रखा है फिर भी हम लोगों ने एक बार कैलकुलेट किया अब हमें x ग्रेटर इक्वल वन के लिए y ऑफ एक्स निकालना है तो y ऑफ एक्स यहाँ से अपने पास क्या बनेगा नाउ एंड y ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू सी टू ई टू माइनस एक्स जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल वन होगी तो यानी कि y x जो फंक्शन अपने पास बना है उसको हम लोग टू टाइम्स e x, x की वैल्यू जीरो और वन के बीच में होगी और इट इज सी टू इंटू ई रेस टू माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल वन होगी अब सी टू की वैल्यू निकालनी है कैसे निकालेंगे यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वाई सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो के लिए तो y हमारा डिफरेंशियबल फंक्शन होगा इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है मतलब वो कंटिन्यूस होगा तो हम लोग क्या करेंगे सिंस y एट एक्स इक्वल टू वन का यूज करेंगे तो वन का ही क्यों क्योंकि अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करेंगे तो अपने पास सी टू की वैल्यू मिल जाएगी The limit of y as x tends to one minus must be equal to limit of y as x tends to one plus. Left hand limit upne pass two times one minus e inverse banega and right hand limit c two into e inverse banega to apnepas c two key value banjagi two times e minus one. एंड देयर फोर वाई ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास टू टाइम्स ई माइनस वन इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बनेगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल वन होगी तो तो ये हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट था इसका ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट ऑप्शन था राइट right? चल चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन अपने पास दोस्तों ये था अपने पास क्वेश्चन ये था द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई इंटू वन प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो इज तो ये फंक्शन ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्पेशल टाइप का दिख रहा है ना y इंटू फंक्शन ऑफ x y डी x प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी अगर आप यहां पर m और n कैलकुलेट करोगे तो m फंक्शन आपके पास बनेगा y प्लस एक्स स्क्वायर और n फंक्शन x माइनस x स्क्वायर y तो यहाँ से अगर हम लोग डेरिवेटिव ऑफ़ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट करेंगे तो वन प्लस टू एक्स वाई बनेगा और डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो अपने पास वन माइनस टू एक्स वाई बनेगा तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो जब भी इस फॉर्म में अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है अपॉन राइट? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट इज वन अपॉन एम इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई पर ये जीरो नहीं होना चाहिए है ना तो वन अपॉन एम इंटू एक्स इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्सक्वाई स्क्वायर माइनस इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्सक्वाई स्क्वाई से खत्म हो गया तो अपने पास यहां पर वन अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बना ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेकिन हमें क्या पता है चलो इसको अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मेरे पास वन बाई टू देन वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू वन प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर into एक्स into वन माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा तो इस वन बाई टू को हटा देते हैं तो अपने पास यहाँ पर ये नया मेरे पास m बन जाएगा और ये मेरा नया एन बन जाएगा राइट right? सो so, m इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा वाई से वाई कैंसिल तो 1 अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स वाई और एन अपने पास क्या बनेगा एन यहां पर अपने पास बन जाएगा वन बाई एक्स वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स वाई यानी कि इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे और तो अपने पास वन बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन अपॉन एक्स बचेगा है ना एंड एन अपने पास बनेगा वन बाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई बनेगा है ना सो फॉर्मूला हमें पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं सो सॉल्यूशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स तो वन बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टर्म्स इन एन विच आर फ्री फ्रॉम एक्स तो एन में कौन सी टर्म है फ्री फ्रॉम एक्स माइनस वन अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू सी तो अपने पास इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाई बनेगा प्लस यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स माइनस यहाँ पर लॉग ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू सी इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लॉग ऑफ एक्स बाई वाई दिस इज इक्वल टू सी प्लस वन बाई एक्स वाई तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ई रेस टू सी को सी वन बोल देंगे ई रेस टू वन बाई एक्स इंटू वाई बनेगा यानी कि एक्स इज इक्वल टू सी वन वाई ई रेस टू वन बाई एक्स वाई सो so, ये हमारे पास सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू सी इन टू वाई ई रेज टू वन बाई एक्स वाई सो पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका है ना चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन बता देना ज़रूरी है कि अब आप आई आई टी जाम एग्ज़ाम के लिए हंड्रेड डेज क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज कर रहे हैं अगर आप इसमें विनर बन जाते हो यानी कि जो भी टेस्ट है उसमें आप रैंक वन हासिल करते हो तो उसमें उन स्टूडेंट्स के लिए उस स्टूडेंट के लिए आईआईटी आई जैम का आईएफएस का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल किया जा रहा है तो जो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका विनर बन रहा है उसके लिए ये खास तोहफा हम लोग दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए और लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट होंगे तो और इसमें कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और मजा आ जाएगा चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन अपने पास है इफ एक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाई डी

t into x this is equal to t cube into x square है और ये equation अपना एक bernoulli equation है और bernoulli differential equation को solve करने के लिए dependent variable की जो power है right side में उससे divide करते हैं तो x square से divide करेंगे तो x raise to minus two dx by dt then plus minus

तो इस substitution के साथ ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा x रेस्ट टू माइनस टू इनटू dx पाई dt के लिए हम लोग माइनस du पाई dt रखेंगे माइनस t इनटू u दिस इज इक्वल टू अपने पास t क्यूब है इसके बाद हमें क्या करना है सिंपली माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो du अपॉन dt प्लस टी इंटू यू दिस इज इक्वल टू माइनस टी क्यूब बन जाएगा ये है एक लीनियर डिफ्रेंशियल इक्वेशन और इसके लिए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास क्या बनेगा ई रेस टू इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी विच इज ई रेस टू टी स्क् अपॉन टू देर फोर सोल्यूशन विल बी u into e two, this दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e ई to t square upon two, देन यहाँ पर t क्यूब है तो t क्यूब को मैं t square into t dt लिखता हूँ ठीक है इसके बाद क्या करना था इसके बाद हमारे पास सिंपल अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए टी स्क्र अपॉन टू इज इक्वल टू समिंग रखना था तो अपने पास t इंटू डी टी इज इक्वल टू बन जाता डी और फिर अपने पास ये क्या बन जाता u e रेस टू टी स्क् पॉइंट टू दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e रेस टू टी स्क्वायर अपॉइंट टू के लिए v देन t स्क्वायर के लिए यहाँ से अपने पास t स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू वी बन जाएगा यहाँ पर टू वी एंड टी डी टी के लिए अपने पास डी वी बन जाता अब U e की पावर टी अपॉन टू दिस इज इक्वल टू माइनस टू इंटीग्रेशन v रेस टू वी डी वी तो अब बस लगभग काम अपना बन चुका है तो यहां पर u e रेस टू टी अपॉन टू दिस इज इक्वल टू अपने पास माइनस टू टाइम्स यहां पर अपने पास v रेस टू वी का इंटीग्रेशन v माइनस वन रेस टू वी एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी यानी कि u और v को वापस रखेंगे u अपने पास क्या था x रेस टू माइनस वन तो ये वन अपॉन एक्स ई रेस टू टी स्क्वायर पॉइंट टू दिस इज इक्वल टू माइनस टू वी था टी स्क्र पॉइंट टू माइनस वन ई रेस टू टी स्क्वायर पॉइंट टू प्लस सी सिंपली वन अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टू माइनस टी स्क्वायर होगा अब ई रेस टू टी स्क्वायर अपॉन टू से डिवाइड भी किया है तो सी टाइम्स ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू होगा कंडीशन क्या है एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन सिंस एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन तो अपने पास एक्स की जगह वन और टी की जगह जीरो रखेंगे तो टू प्लस सी बनेगा यानी कि सी की वैल्यू बन जाएगी माइनस वन यानी कि वन अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू टू माइनस टी स्क्वायर एंड माइनस ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू अब एक्स की वैल्यू रूट टू पे निकालनी है तो अपने पास वन अपॉन एक्स ऑफ रूट टू दिस इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर टू टू माइनस टू जीरो माइनस ई रेज टू माइनस रूट टू का स्क्वायर टू बाई टू इज वन तो यहां पर एक्स ऑफ रूट टू अपने पास बन जाएगा सिंपली माइनस ई तो आंसर इज माइनस ई है ना आंसर इज माइनस ई सो यार ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है तो यहां पर पहला ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ठीक है चलो

कांस्टेंट वन फंक्शन ले लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू टेन एक्स हो जाएगा और सॉल्यूशन वाई ई रेस टू टेन एक्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू टेन एक्स इंटू राइट साइड का फंक्शन वन डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी यानी कि वाई ई रेस टू टेन एक्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू टेन एक्स इज ई रेस टू टेन एक्स अपॉन टेन एंड प्लस सी देर फोर ई रेस टू टेन एक्स से डिवाइड करेंगे तो वन बाई टेन प्लस सी इंटू ई रेज टू माइनस टेन एक्स और लिमिट अगर निकालेंगे वाई का एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी तो वो हमारे पास वन अपन आएगा क्योंकि अपने पास ये था इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एमडीएक्स प्लस एनडीवा दिया है तो एम का डेरेवेटिव जरा विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल दीजिए तो वो हमारे पास क्या बनेगा टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एटीन वाई स्क्वायर और एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो टू एक्स बनेगा सो so, एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन एन करेंगे तो अपने पास ये इन दोनों का सब क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एटीन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर क्योंकि एन हमारा ये है तो इसको जरा देखोगे तो ये सिंपली बन जाएगा तीन सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई रेस टू इंटीग्रेशन थ्री डी एक्स विच इज़ इज़ थ्री एक्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ठीक है चलिए इसी के साथ अगर आप आई आई टी जाम ट्वेंटी ट्वेंटी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उस एग्जाम के लिए हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बैच हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है टेंथ ऑफ जून से तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो अपने आप को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं साथ ही साथ इस बैच में आपको 50% परसेंट का ऑफ़ दिया जा रहा है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं उनके लिए फ्लैट 50% परसेंट ऑफ़ के साथ आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं एडमिशन करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा अब आपको विजिट करना होगा ifsonline.com इस वेबसाइट को या तो अगर आपको कुछ क्वेरी आ रही है तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर दीजिए तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल करोगे तो भी आपकी क्वेरी जो भी है जो एडमिशन के प्रोसीजर हैं वो आसानी से यहाँ से काउंसलर के साथ आप कर सकते हैं ठीक है चलिए तो इसी के साथ हम लोग आज की इस वीडियो में रुकते हैं सभी को थैंक यू और हैप्पी लर्निंग